हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस, लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो जैसे कि स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने देखे थे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम बहुत सारे एलिमेंट्स लेते हैं एंड उनको अरेंज करते हैं एक सीरीज में उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, तो आज उस सीरीज का, उस टेबल का यूज करते हुए हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, किस किस जगह पे वो किस तरीके से हेल्प करता है, वो देखने वाले। तो ओवरऑल यहाँ पे 8 एप्लीकेशंस देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। द वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं सेल का पोटेंशियल। सो बेसिकली कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो अगर हमको किसी सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए तो उसके लिए फॉर्मूला हमने देखे थे कि कैथोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस एनोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस फॉर्मूले को हमने पिछले वीडियो में भी आपको बता चुके हैं। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम डायरेक्टली उन इंडिविजुअल एलिमेंट्स की, आई मीन कैथोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड द एनोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से डायरेक्टली पिक कर सकते हैं उनकी वैल्यूज, एंड वैल्यूज पुट अप करने पे हमको उस सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इस पे हमने इन डेप्थ में आपको पिछली वीडियो में समझा चुके हैं, तो और ज्यादा इस पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज करते हुए किसी भी सेल का पोटेंशियल, आई मीन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन। सो बेसिकली सेकेंड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का कि हम कैथोड एंड एनोड को यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ओके, यानी कि अगर स्टूडेंट्स आपको पता नहीं है, आपके पास सिर्फ दो हाफ सेल्स दिए हुए हैं, तो उसके बेस पे आप सिंपली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा कैथोड होगा एंड कौन सा एनोड होगा। नाउ क्वेश्चन इज कमिंग कि हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा एनोड होगा एंड कौन सा कैथोड होगा। तो जैसे कि अभी हमने फॉर्मूला देखे थे स्टूडेंट्स की किसी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो इक्वल होता है उस कैथोड के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में से माइनस करते हम एनोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ पे बेसिकली स्टूडेंट्स आपको उनकी वैल्यूज ऐसे पिक करनी है कि आपको एक बात पता हमेशा होनी चाहिए कि किसी भी सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव ही होता है। ओके, तो अगर हम उसमें से फाइंड कर लें कि सपोज करते हैं हमारे पास दो यहाँ पे हाफ सेल्स दिए हुए हैं, तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में से वो वैल्यू पिकअप कर लेंगे उनकी एंड इस तरीके से अरेंज करेंगे कि माइनस करने पे हमको पॉजिटिव वैल्यू मिले। ओके, अगर एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे बात करूं, सपोज करते हैं कि जिंक वाला आपके पास हाफ सेल्स है, तो उसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो होता है -0.76। ओके, एंड ऐसी अगर हमारे पास सपोज करें दूसरा कॉपर है, ओके, तो कॉपर का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो होता है सिंपली 0.34। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दो वैल्यूज दी हुई है, तो इस वैल्यू के बेस पे अब आपको फॉर्मूला पता है कि कैथोड में से माइनस करना है एनोड का। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे कैथोड कौन सा होगा, एनोड कौन सा होगा, सिंपल सी बात है, ये जो होगा, आई मीन कॉपर जो होगा वो कैथोड होगा एंड जिंक जो होगा वो एनोड होगा। क्यों, रीजन बताता हूं मैं आपको, क्योंकि अगर मैं कैथोड इसको मानूंगा, इसमें से इसको माइनस करूंगा, ओके, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा उस फॉर्मूले के बेस पे। फॉर्मूला क्या था, दैट इज ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड, राइट, माइनस ई नॉट एनोड, यही था फॉर्मूला। अब आप देखिए कैथोड की वैल्यू को जब आप यहां पुट करेंगे एंड माइनस करके माइनस करेंगे तो हमको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। ऑलवेज रिमेंबर किसी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना हो सकता है, ऑलवेज इट शुड बी पॉजिटिव। नाउ सपोज कि आपने जिंक को कैथोड मान लिए, तो इसकी वैल्यू -0.6 एंड -0.34, सो आंसर विल बी नेगेटिव, विच इज नॉट द पॉसिबल। ओके, तो इस वजह से हम इस कॉपर को कैथोड लेंगे एंड इस जिंक को एनोड लेंगे। तो इस तरीके से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा कैथोड होगा एंड कौन सा एनोड होगा। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि जिस हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल लोअर होगा, ओके, वो क्या होगा, एनोड होगा। तो यहाँ पे इनमें से लोअर कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा, एंड जिसकी वैल्यू हायर होगी वो क्या होगा, सिंपली कैथोड होगा। तो उस इलेक्ट्रिक केमिकल सीरीज की वजह से हम यहाँ पे एनोड एंड कैथोड को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सो थर्ड इज अ फिजिबिलिटी ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, इसका मतलब ये स्टूडेंट्स की कोई भी अगर आपके पास रेडॉक्स रिएक्शन लिखी हुई है तो आप वहां से बता सकते हैं कि वो रिएक्शन सही है या नहीं है। फिजिबल मीन्स वो रिएक्शन पॉसिबल है या फिर नहीं है। ओके, सो इट इज क्लियर, राइट। हालांकि मैं इस एप्लीकेशन पे बहुत ज्यादा इनडेप्थ अभी नहीं समझाने वाला हूँ स्टूडेंट्स, द रीजन बींग अगले आने वाली वीडियो हमारी इसी टॉपिक पे कि किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन पे हम कैसे जज कर सकते हैं कि वो फिजिबल है या नहीं है। ओके,
ऐसा इसलिए कर रहे हैं, इसको अगले वीडियो में इसलिए बताने वाले हैं क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा इन डेप्थ आपको समझाना पड़ेगा। सो इस एप्लीकेशन पे, इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा हम नहीं एक्सप्लेन करने वाले हैं क्योंकि एनीवेज आगे आने वाली वीडियो में ये हम पढ़ने वाले हैं। ओके, फिलहाल मैं आपको ये बता सकता हूँ सिर्फ यहाँ पे कि जैसे कि आपको यहाँ पे रिएक्शन दिख रही है, ओके, एक रिएक्शन ये है एंड एक रिएक्शन ये है, तो इन दोनों में से ये एक्चुअली फिजिबल नहीं है बट ये फिजिबल होगी। ओके, तो फिलहाल आपको बस इतना पता होना चाहिए इस वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन की फिजिबिलिटी हम विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे करते हैं उसके लिए आपको हमारी आगे आने वाली वीडियो देखनी होगी। ओके, सो द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज प्रेडिक्टिंग द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि किसी भी एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ओके, वैसे तो हमने आपको उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की टेबल में बताया थे कि जो रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट है वो टॉप टू बॉटम जाने पे होती है, तो सीधी सी बात है जितनी वैल्यू निगेटिव होगी उतनी ही उसकी रिएक्टिविटी कम होगी एंड देन हमको जितनी वैल्यू पॉजिटिव मिलने वाली है उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। ओके, चलिए यहां देखते हैं। एक ऐसा एलिमेंट जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लोअर है, कम है, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगी। ओके, तो बेसिकली स्टूडेंट्स ऐसे एलिमेंट्स जिनका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लोअर होती है वो उतनी ज्यादा रिएक्टिव होती है। ओके, एंड इस तरीके से जो रिएक्टिव मेटल होती है वो डिस्प्लेस करती है लेस रिएक्टिव मेटल को, ये तो आपको पता ही, राइट। नेक्स्ट एप्लीकेशन है प्रेडिक्टिंग द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज करते हुए हम किसी भी एलिमेंट की रिएक्टिविटी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो जैसे कि हमने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बताए थे कि किस तरीके से टॉप टू बॉटम जाने पे रिड्यूस्ड होने की जो टेंडेंसी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ओके, जैसे कि हमने देखे थे उस सीरीज में फ्लोरीन जो था, F2 जो था सबसे नीचे था। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो F2 है, आई मीन फ्लोरीन है, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्यों? क्योंकि उसका रिडक्शन हो रहा है, जिसका रिडक्शन होता है वही तो हमारे लिए क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। लेकिन अगर वहीं पे सबसे ऊपर टॉप पे जो लिथियम थी उसको हम बोलेंगे वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे जैसे आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता चल गया है, राइट, तो उसका एग्जैक्टली अपोजिट होता है रिड्यूसिंग एजेंट। जो वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, राइट, उसी का यानी कि वाइस वर्सा होता है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन है लिब्रेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड्स, यानी कि जब हम एलिमेंट से रिएक्शन करवाएंगे एसिड की, तो उस समय किस कंडीशंस में हाइड्रोजन गैस निकलने वाली है एंड किस कंडीशन में नहीं निकलने वाली है, तो अगेन हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देख के ये बता सकते हैं। कैसे? तो स्टूडेंट्स जो भी हाइड्रोजन के ऊपर आते हैं वो सिंपली जब एसिड से रिएक्शन करेंगे तो लिब्रेट करेंगे हाइड्रोजन गैस। लेकिन अगर उन एलिमेंट्स की रिएक्शन जो कि हाइड्रोजन से नीचे आ रहे हैं उनकी रिएक्शन हो रही है एसिड के साथ, तो वो हाइड्रोजन गैस लिब्रेट नहीं करते। ओके स्टूडेंट्स, ये कुछ पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन। तो इस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग किसी भी मेटल या नॉन मेटल की रिलेटिव रिएक्टिविटी को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ओके, यानी कि कोई भी मेटल या नॉन मेटल कितने रिलेटिवली रिएक्टिविटी यानी कि दूसरे के कंपेरिजन में ज्यादा रिएक्टिव होगी या कम रिएक्टिव होगी, इसका पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो हम यहाँ से पता ऐसे करेंगे कि कोई भी एक मेटल है अगर उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू जो है जितनी ज्यादा निगेटिव होगी वो उतना ही ज्यादा टेंडेंसी रखेगा इलेक्ट्रॉन लूज करने की। ओके, और जितना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है इसका मतलब वो उतनी ज्यादा रिएक्टिव होगी, राइट। अब अगर मैं इसको एग्जांपल के बेस पे समझाना चाहूं कि मैग्नीशियम का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, -2.37 वोल्ट, राइट, एंड सोडियम का होता है -2.71 वोल्ट, राइट। तो इस कंडीशन में आपको स्टूडेंट देखना है कि इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो आपको पता है कि निगेटिव में जितनी जो बड़ी होती है उतनी छोटी होती है, तो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू मैग्नीशियम की है, तो मैग्नीशियम जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होगी। ऐसे ही अगर हम पॉजिटिव वैल्यू की तरफ भी देखें तो इनमें से दोनों में से बड़ी कौन सी है, आई मीन फ्लोरीन एंड क्लोरीन की बात कर रहे हैं, तो क्लोरीन का जो है वो हमको मिल रहा है 2.87 एंड क्लोरीन का मिल रहा है 1.36 वोल्ट। तो उस कंडीशन में हमको दिख रहा है कि बड़ी वैल्यू किसकी है, वो है फ्लोरीन की, तो वो ज्यादा रिएक्टिव होगी। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट एप्लीकेशन है कोरोजन ऑफ मेटल्स। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स कि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज करते हुए किसी भी मेटल का कोरोजन फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि मेटल्स जो है जनरली एयर या फिर अदर केमिकल के साथ रिएक्शन करके कोरोजन हो जाता है उनका, राइट, तो इसको चेक करने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि जो मेटल जितना ज्यादा एक्टिव होगा वो उतना ही ज्यादा कोरोड होगा, राइट। तो इसका मतलब अगर हमको पता करना है कि कोई भी मेटल कितनी ज्यादा एक्टिव है
तो जिस मेटल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है जितनी लो होगी वो उतनी ही ज़्यादा रिएक्टिव होती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।